नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आपने देखा होगा कि CAA प्रोटेस्ट में स्वरा भास्कर का एक साइड किक था। साइड किक इतना फेमस नहीं था। साइड किक ऑब्वियसली एक आउटसाइडर है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने का प्रयास कर रहा है, मगर साइड किक ने बहुत मेहनत करी CAA प्रोटेस्ट में स्वरा भास्कर का बैक पकड़ के, इसलिए साइड किक को आज की तारीख में लीड रोल मिल गया है एक वेब सीरीज के अंदर, और वेब सीरीज का नाम है टांडव। जी हाँ, टांडव स्टार्स सैफ अली खान इन द लीड रोल, बट ऑब्वियसली ये जीशान अयूब का भी काफी अच्छा रोल है क्योंकि प्रोमो में वो भी काफी दिखते हैं। साथ साथ में प्रोमो में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे भगवान राम शिव का वर्णन करते हुए त्रिशूल उठाते हुए जेशान अयूब गालियां दे रहा है, वो गालियां जो इंग्लिश में दी जाती है, बिकॉज इंग्लिश में जो गालियां दी जाती है वो कूल होती है भारत के अंदर, अमंग द फेमिनिस्ट, अमंग द लिबरल्स, अमंग द सेक्युलर्स। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तो हम सनातनी आपको एक्सपोज करेंगे। जी हाँ, मैं कोई सरकार से हूं नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकती। तो आई रियली होप कि पीपल जो ये प्रोमो को देख रहे हैं वो ये प्रोडक्शन के खिलाफ कार्रवाई करें, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करें डायरेक्टर के खिलाफ। डायरेक्टर है अली अब्बास जफर। जी हाँ, सलमान खान का फेवरेट डायरेक्टर, कतरीना कैफ का फेवरेट डायरेक्टर अली अब्बास जफर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस वेब सीरीज। तो जो भी भारत के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, इंस्टेंट फेम कमाना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म के भगवानों को टारगेट करते हैं, और इस तरह से हीरो भी बन जाते हैं और फिल्म की बिक्री हो जाती है और वेब सीरीज को ओपनिंग मिल जाती है। सो दिस ट्रेंड नीड्स टू स्टॉप, एंड टू स्टॉप दिस आई होप पुलिस कंप्लेंट इज लॉन्च्ड अगेंस्ट द पीपल हु आर बिहाइंड दिस नैरेटिव। ये दूसरी बात है कि पुलिस कंप्लेंट से ये टांडव को ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे बिग बॉस का बॉयकॉट ट्रेंड से बिग बॉस को ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई, शायद इस पुलिस कंप्लेंट से टांडव को भी पब्लिसिटी मिल जाएगी। बट वॉट एवर सेट एंड डन, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी अगेंस्ट दोस पीपल जो भारत में रहकर सनातन धर्म को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। नमस्ते, जय हिंद।